आज है डे 32 और आज से मेरे वर्कआउट का फेज 2 शुरू होने वाला है। देखो अभी मुझे इतनी चीजें कैरी करके लेके जानी पड़ती है, एक एंड दो ट्राइपॉड एंड ये उसका माउंट है और माइक। और ये क्यों है पता है? क्योंकि अभी मेरा वीडियो भी मैं ही शूट करता हूँ, तो इसलिए ये दो ट्राइपॉड मुझे ले जाना है। और ये जो छोटा वाला ट्राइपॉड है, ये वाला, ये मस्त है, लेकिन क्या है कि वहाँ पे ना कभी कभी क्या होता है कि कोई ऐसी जगह नहीं होती है जहाँ पे मैं इसे ग्रिप कर सकूं। और वो जो ट्राइपॉड है ना, ये वाला जो ट्राइपॉड है, ये बड़ा ट्राइपॉड है, तो इससे क्या होता है कि मैं जगह पे रख देता हूँ एंड मेरा वीडियो शूट होना शुरू हो जाता है। और हाँ, सबसे बड़ी बात कि ये जो माउंट है ना, ये इसका माउंट है, तो इसके अंदर कोई भी ऐसा होल्डर नहीं है जिससे ये माइक को मैं फिट कर सकूं। और ये जो है ना, इसके अंदर है ये होल्डर, ऊपर दिया है इस तरह से, तो यहाँ पे मैं माइक रख देता हूँ एंड आराम से मैं अपना वॉइस भी क्लियरली मैं इसमें इसकी मदद से मैं शूट कर सकता हूँ। लेकिन इसमें मुझे ये माइक काम नहीं लगता है, तो इस तरह से थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, लेकिन कोई नहीं, एडजस्ट कर लेता हूँ। चलो ठीक है, तो अभी ब्लैक कॉफ़ी, नहीं कॉफ़ी नहीं, आज से मैं ग्रीन टी पी रहा हूँ, कॉफ़ी ख़त्म हो गई है एंड कॉफ़ी अब मुझे लाना भी नहीं है। इजरायली कंपनी है तो वो मैं सपोर्ट नहीं कर सकता कभी नहीं। फ्री फलस्तीन, फलस्तीन के बच्चों पे बहुत जुल्म हो रहा है, फलस्तीन के लोगों पे जुल्म हो रहा है, तो मैं कभी भी सजेस्ट नहीं करता कि इजरायली कंपनी हम फॉलो करें या उनको हम सपोर्ट करें, कभी नहीं। बायकॉट करो इजरायली कंपनी जितनी भी है, जो भी उनकी प्रोडक्ट्स है, कोका कोला है, थम्सअप है, ये जो भी मतलब में कोका कोला है, डेरी मिल्क है, वो सब बायकॉट करो। आई डोंट लाइक इट।
अभी थोड़ी देर पहले ऐसा वेदर हो गया था कि बस अभी बारिश होने वाली है, और जो हवा चल रही थी ना ऐसा लग रहा था बस तूफान आने वाला है, और अभी देखो किस तरह से सन्नाटा हो गया है। तो अभी इवनिंग का टाइम हो गया है, अभी हमारी थोड़ी बहुत मैं हर रोज़ जो बॉक्सिंग की प्रैक्टिस करता हूँ वो मैं करूँगा, एंड उसके बाद थोड़ी कैलिस्थेनिक्स, अभी जो मैंने कल से ही एक्सरसाइज शुरू की है कैलिस्थेनिक्स की, तो उसके लिए थोड़े बहुत मतलब मैं मुझे हैंड स्टैंडिंग डिप्स वो मुझे करना है, और वो मुझे ना मैं जब कॉलेज में था ना तब से मेरा ड्रीम था कि यार मुझे हैंड स्टैंडिंग करना है, थोड़ा कैलिस्थेनिक्स जो एक्सरसाइज होती है ना, हाई पुलअप्स होते हैं एंड हैंड से जो डिप्स करते हैं वो चीज़ें मुझे सीखनी है। अभी अभी फिर से वो शौक चल रहा है, देखते हैं क्या होता है। ये जो प्रैक्टिस है ना हैंड स्टैंडिंग की, वो करते हुए मुझे बस इतना पता चल रहा है, सबसे पहले तो हमारे हैंड जिस पे हमें खड़े होना है वो स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है, एंड दूसरी बात बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, और जो वेट आता है ना वेट अगर यहाँ पे आता है तो बैलेंस बिगड़ जाता है, लेकिन अगर यहाँ पे वेट आता है ना तो बैलेंस थोड़ा ऐसा लगता है कि अभी बैलेंस हो रहा है। एंड ये जो हाथ है ना वो ऐसे नहीं रखने, ऐसे रखने हैं, ये उंगली थोड़ी मुड़ी हुई इस तरह से थोड़ा बहुत मैं सीख रहा हूँ, अभी धीरे धीरे देखेंगे क्या होता है और कब तक मैं परफेक्ट हैंड स्टैंडिंग कर सकूँगा। ठीक है दोस्तों, तो आज की एक्सरसाइज यहाँ पे हम फिनिश करते हैं, और आज का दिन हमेशा की तरह बहुत ही ऑसम दिन रहा है, तो हम इस वीडियो को भी अभी एंड करते हैं, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, बाय।